हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, और इस पार्ट 10 वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिटिकल मेथड। यस, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि अब तक हमने ग्राफिकल मेथड देखी है वेक्टर एडिशन की, और नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखा है कि किस तरह से अगर आपके पास किसी प्लेन में दो वेक्टर हैं तो उन दोनों वेक्टर को आप ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करके उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से उस दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो था ग्राफिकल मेथड। इट मीन्स कि उस वक्त आपको दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने के बाद उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। बट यहाँ पर एनालिटिकल मेथड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एनालिटिकल मेथड में आपके पास डायरेक्टली फार्मूला होगा और उस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करके, इट मीन्स जो अवेलेबल दो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट अप करके आप डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, देखिएगा ध्यान से इसको, बड़ा आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए, आपके सामने आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली इन दोनों वेक्टर्स का जो क्लोजिंग साइड होगा ट्रायंगल के लिए वेक्टर ए सी, जो क्या होगा इन दोनों वेक्टर ए बी और बी सी के अपोजिट ऑर्डर में होगा, ये होगा वेक्टर ए सी, और ये क्या है वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू का रिजल्टेंट है। इट मीन्स कि वेक्टर आर जो है, यहाँ पर वेक्टर आर जो है वो वेक्टर आर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का एडिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का एडिशन है। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने देखा है, ठीक है, कि व्हेन एवर द टू वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन एंड द बोथ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय इन द सेम ऑर्डर बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेक्टर आर जो है वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसकी एनालिटिकल मेथड से इसके फार्मूलेस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ए बी जो है, इस ए बी वेक्टर के लिए ए बी वेक्टर पर इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। आपने इस ए बी को पहले थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इस एक्सटेंड किया एंड देन ऊपर पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ जब आपने किया तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एंड सी। आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एंड सी को कंसिडर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल ई है ये राइट एंगल को डिफाइन कर रहा है, इट मीन्स कि 90 डिग्री को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जबकि एंगल बी जो है, आप इस एंगल बी पर देख सकते हैं एंगल ई बी सी, ठीक है, एंगल ई बी सी ये क्या है एंगल थीटा, एंगल थीटा। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, हम एनालिटिकल मेथड से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम ऐसे फार्मूलेस कैलकुलेट करने वाले हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्टली जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लें और इसका एंगल, इसकी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल हमारा रेफरेंस वेक्टर जो है उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी डायरेक्शन भी पता कर लें। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे हम इसे। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सी, ड्रॉ द सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। आपने एक परपेंडिकुलर सी ई जो है ड्रॉ कर दिया किस पर, ए बी पर, मीटिंग द ए बी एट द पॉइंट ई व्हेन प्रोड्यूस। ठीक है, ये इस पॉइंट ए पर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल सी बी ई है वो क्या है, थीटा। हमने कंसिडर कर लिया कि एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इसे हमने क्या डिफाइन किया है, थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। देन आपने क्या किया, आपके पास ने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल सी ई,
ए या फिर ए ई सी राइट एंगल ए ई सी राइट एंगल ए ई सी ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये जो है ए राइट एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, टू फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी ठीक है, वी हैव ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर सी स्क्वायर, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हुआ सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए ई स्क्वायर, यहाँ पर बेस क्या है ए ई स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर या सी ई स्क्वायर, आपने यहाँ पर देख लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा ध्यान दें तो ये जो ए ई है, ए ई ए ई इज बेसिकली वॉट, दिस ए ई इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी या सॉरी बी ई, ए बी ए बी एंड बी ई, ए बी इन बी ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ई इज इक्वल्स टू इज वॉट बेसिकली ए बी सॉरी ए बी प्लस बी ई, यहाँ पर हमें पता चल गया बेसिकली ए। तो हम लेट्स पुट द वैल्यूज़, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट अप की, यहाँ पर जो हमारे पास ए ई है इस ए ई को हमने पुट अप किया ए बी प्लस बी ई और उसका स्क्वायर एज इट इज़ एंड देन सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेसिकली ए प्लस बी के फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो हमने पढ़ा है हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है आप देख सकते हैं हमने हमेशा पढ़ा है इसे। तो लेट्स ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू बी ई ठीक है एंड प्लस बी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली हमने सॉल्व कर लिया इस फार्मूले से इस वाली इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन की इस टर्म को एंड देन सी ई स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर देखें, यहाँ पर आपको एक और ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा है, दिस वन सी ई बी या एंगल ट्रायंगल बी ई सी, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो ऑब्वियसली इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो दिस इज़ बेसिकली द हाइपोटेनियस, दिस इज बी ई इज बेस एंड दिस सी ई इज़ परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर इसके लिए भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इज इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मीन्स बी सी स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिस इज सी ई स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ई स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कौन है यहाँ पर बी ई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी ई का स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक नया फार्मूला बनकर आ गया इस छोटे वाले ट्रायंगल से। तो बी सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर की जगह इज इक्वल्स टू हम पुट अप कर सकते हैं सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। सो अभी हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम देखें तो बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये दिस बी ई स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा दिस बी ई स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन अभी हमने देखा बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ठीक है, इसका मतलब क्या है बी सी स्क्वायर, तो बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन दोनों की जगह हम बी सी स्क्वायर पुट अप कर सकते हैं। तो अब देखिए टर्म क्या बची ए बी स्क्वायर एज इट इज़, ये टू ए बी बी ई अपनी जगह एज इट इज़, और इन दोनों टर्म्स का एडिशन जो हमें यहाँ पर शो कर रहा है वो है बी सी स्क्वायर, तो हमने उसको बी सी स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। सो फाइनली हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, दिस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी ई ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम देखें, क्योंकि देखिए हम फार्मूला डेराइव कर रहे हैं और फार्मूले में हमेशा वही चीज़ें आनी चाहिए जो नोन हो ठीक है, अननोन क्वान्टिटीज़ सिर्फ एक ही होनी चाहिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉन बाकी सारी नॉन क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इस फॉर्मूले में,
तो देखिए ए सी स्क्वेयर तो हमें कैलकुलेट करना है, ए सी स्क्वेयर तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली ए सी स्क्वेयर तो हमारा क्या है, फाइनल रिजल्टेंट ए सी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ए बी, ए बी तो नॉन क्वांटिटी है, ए बी कौन है, दिस बेसिकली वैक्टर ए बी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द वैक्टर पी, ठीक है, ये तो हमारी नॉन क्वान्टिटी है, ये तो हमें हमेशा दी हुई होगी, यह हमें नॉन होगी, ठीक है, तो ये टर्म तो क्लियर हो गई। उसके बाद बी सी, बी सी क्या है, तो हम बी सी अगर यहाँ पर देखें तो दिस बी सी इज़ बेसिकली इट्स ऑल्सो अ नॉन क्वांटिटी क्यू के फॉर्म में, मतलब ए बी और बी सी तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू हमें पता होगी, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ए बी हमें पता है। अब बचा बी ई, और बी ई क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर तो बी ई इज दिस द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ दिस ए बी, ठीक है, तो अब यहाँ पर बी एक्चुअल में अननोन है, हमें नहीं पता हमने कितना लंबा इसको खींचा है, कितना बेसिकली ये एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी ई को भी इस बी सी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स कि इस अननोन को नॉन क्वान्टिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ दिस बी ई, तो बी ई इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ई सी एंगल बी ई सी का पार्ट है ये, ठीक है, अब एंगल बी ई सी का अगर ये पार्ट है और इस एंगल में हमें नॉन क्वांटिटी कौन है, बी सी, तो मैं इसे बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करें, किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में पता है कि अगर हम कॉस थीटा की बात करें, इस ट्राइंगल की हम बात करें, तो इस ट्राइंगल में ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो क्वांटिटी है बी सी जो हमें पता है पहले से, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और हमें ये बेसिकली पता करना है, बी ई पता करना है, तो एक्चुअल में हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना होगा, हमें बेस पता करना है, हमें हाइपोटेनियस पता है, तो बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन कौन है, कॉस थीटा, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज़ बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस इज़ बेसिकली द बी ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस बी सी, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से अब मैं आसानी से बी ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो दिस बी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पर बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा ये हो गया हमारा बी ई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बी ई जो अननोन क्वांटिटी थी, आपने उसको नोन क्वांटिटी बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वेरी इजीली जहाँ जहाँ पर बी ई होगा वहाँ पर बी सी कॉस थीटा पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने लिखा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ई प्लस बी सी, तो फाइनली बी ई इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर बी ई की जगह में बी सी कॉस थीटा पुटअप कर सकता हूँ, तो आपने क्या किया, यहाँ पर बी ई की जगह बी सी कॉस थीटा पुटअप किया, तो इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा हमने, देखिए ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, यहाँ तक तो ठीक है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइज ऑफ ए बी प्लस ट्वाइज ऑफ ए बी डॉट बी ई, अब बी ई की जगह क्या अगर पुटअप करना है मुझे, बी सी कॉस थीटा, तो यहाँ पर बी ई की जगह बी सी कॉस थीटा पुटअप कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ चुका है, अब हमें पता है ए सी को हम बेसिकली आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी को हम वैक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बेसिकली ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, ए बी बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर, और बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर एंड ट्वाइज ऑफ ए बी ट्वाइज ऑफ पी, बी सी की जगह क्यू एंड कॉस थीटा एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे एक फार्मूला आ गया यहाँ पर, ठीक है, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी कॉस थीटा, अब यहाँ पर टू पी क्यू कॉस थीटा सॉरी, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर, आर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो आर क्या डिफाइन कर रहा है, दिस बेसिकली डिफाइनिंग द मैग्नीट्यूड वैल्यू, ये उस रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब जो वेक्टर आर है हमारा, उस वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी ऑल टुगेदर, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होगी, वो इस आर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड पता चल गया, बट अभी भी आपको डायरेक्शन पता नहीं है, डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन के लिए फार्मूला क्या होगा, तो लेट्स डेराइव द फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन किसकी देखनी है, इस वैक्टर आर ए सी की, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द वैक्टर आर, तो इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू का फार्मूला तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, इट मीन्स कि इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितना है या रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इसका एंगल सपोज हमने कंसिडर किया बी बीटा सॉरी दिस इज़ बीटा, अब इस बीटा एंगल को अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को आप कैलकुलेट कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब बीटा को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बीटा एंगल जो है वो इस ट्रायंगल एईसी का ही तो पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल एईसी का पार्ट है, एईसी का पार्ट है। और इस एईसी के पार्ट में आपको बेसिकली पता है दिस, ये बेसिकली बेस है। अभी हमने बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, इसको हमने कैलकुलेट करके बता दिया आपको, तो हमें बेसिकली बेस भी पता है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस पता है हमें परपेंडिकुलर, दिस सी की वैल्यू भी अभी हमने कैलकुलेट की, तो यहाँ पर हमें बेस पता है परपेंडिकुलर पता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम वैसे चाहें तो यहाँ पर, हमें क्योंकि हाइपोटेन्यूस रिजल्टेंट की वैल्यू भी हम पता कर चुके हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका होगा कि हम यहाँ पर टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पर थीटा की जगह बेसिकली क्या है, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर सी ई, और बेस क्या है, बेस है बेसिकली ए ई, ठीक है, तो यहाँ पर सी ई डिवाइडेड बाई ए ई, और ए ई का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी ई, ए ई का मतलब है ए बी प्लस बी ई। सो सपोज दैट द रिजल्टेंट आर मैक्स एन एंगल, मैक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी, देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी वी हैव टेन बीटा इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाई ए ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर ए ई का मतलब हमने पता है ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, और यहाँ पर देखिए ए बी तो क्या है, वेक्टर पी है हमने भी देखा, और बी क्या हो गया, अभी हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज बी सी कॉस थीटा, ठीक है, बी सी मतलब क्यू कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत आसानी से, अभी हमने कैलकुलेट किया दिस बी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, और ये बी सी क्या है, बी सी तो वैक्टर क्यू है, आप देख सकते हैं दिस बी ई बेसिकली द वैक्टर क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप की बी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, और ए बी का मतलब तो वैक्टर पी है, तो लेट्स अब हमें यहाँ पर सी ई पता करना है बेसिकली सी ई, क्योंकि सी ई भी तो एक तरह से अननोन क्वांटिटी है, सी ई तो हमें पता नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ई कौन है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब इस परपेंडिकुलर को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सहारा लेना होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बी ई सी, बी ई सी, तो अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये परपेंडिकुलर पता करना है, हमें हाइपोटेनियस पता है, तो हाइपोटेनियस के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो ट्राइंगुलर ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला है वो आता है साइन थीटा से, तो यहां पर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए हम करके देखते हैं यहां पर कितना आसान है, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी ई डिवाइडेड बाय बेस बी ई, ठीक है, तो यहां पर हमें सी ई की वैल्यू पता करना है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली दिस बी सी, बी सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर हम सी ई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस सी ई हैज़ बिकम बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा, और बी सी का मतलब क्या है यहाँ पर क्यू, तो ये हो जाएगा, ये वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इटो का मतलब हो गया क्यू साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने बहुत आसानी से सी ई की वैल्यू भी क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाई बी सी, और सी ई का मतलब हो गया बी सी साइन थीटा या क्यू साइन थीटा, सो ये हमारे पास जो फार्मूला है सी ई, यहाँ पर हम क्यू साइन थीटा पुट अप करें, क्यू साइन थीटा आ गया हमारे पास फार्मूला, देन दिस ए ई जो है यहाँ पर ए बी प्लस बी ई, तो ए बी की जगह हमारे पास बेसिकली है वेक्टर पी, और यहाँ पर जो बी ई है उस बी ई के लिए हमने लिखा है ऑलरेडी कैलकुलेट किया है क्यू कॉस थीटा, तो लेट्स पुट द वैल्यू, तो यहाँ पर टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उस रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल भी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एंगल कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ऑब्वियसली टेन इनवर्स क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एंगल,
और रिजल्टेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली थी वो ये है, ठीक है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी कॉस थीटा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको दो वैक्टर दिए हैं पी और क्यू, ठीक है, हमें उनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से उनकी वैल्यू पुटअप करके उनके बीच का एंगल पुटअप करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट वैक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू और उनका उसका उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये थी एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान था। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ऑब्वियसली वो भी काफ़ी आसान होगी और आपको समझ में आएगी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू लर्न अलॉट। आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर हों। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।